हेलो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा और कैसे मैं अपने कृष्ण जी को तैयार कर रही हूँ। हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ। फिर मैं नहा के आऊँगी, फिर बाद में मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी कि मैंने कैसे अपने कृष्ण जी को तैयार किया। मेरे पास लड्डू गोपाल तो है नहीं, बड़े कृष्ण और राधा जी हैं, मतलब कृष्ण और राधा जी की मूर्ति है। लड्डू गोपाल मिल रहे थे कल, बहुत ही 130 के थे, लेकिन इतने सस्ते वाले पता नहीं असली कॉपर थे कि कैसे थे, इसलिए मैंने लिया नहीं। और अभी मेरे पास हैं भी नहीं। और वैसे भी लड्डू गोपाल को ख़रीदने के बाद उनको पूरा तीनों टाइम भोग लगाना रहता है, जो हम खाते हैं सब खिलाना रहता है। तो हम लोग हैं नॉन वेजिटेरियन हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अभी उनको तो हमने अपने घर लाया नहीं है। नॉर्मल कृष्ण और राधा जी हैं हमारे घर पे, तो मैंने सोचा चलो उनका आज बर्थडे है तो उनको अच्छे से तैयार करेंगे, ये मैंने सोचा है। चलो अब देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल होता है रिकॉर्डिंग करना और फिर पूजा भी करना। अभी देखते हैं, अभी तो मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं नहा के आऊँगी, फिर हम मिलते हैं। बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का लुक रखना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इयररिंग डाल देते हैं और थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का टॉप डाल लिया। ये डेली वेयर वाला ये टॉप है मेरा, लेकिन इसके नीचे मैंने स्कर्ट डाल ली, लॉन्ग स्कर्ट डाल ली है, जिससे कि ये थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का लुक दे रहा है। ये देखिए, मैं आपको फुल दिखाती हूँ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। मेरे मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा सामान नहीं रख पाते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे अपना मंदिर बालकनी में शिफ्ट कर देना चाहिए, कि बालकनी में मंदिर बना लेना चाहिए, कि वहाँ पे पूरा अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि मंदिर को बालकनी में रखना चाहिए कि नहीं, और यहाँ रखने में तो बहुत ही छोटा सा स्पेस मिलता है, इसलिए इसके अंदर हम मंदिर के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं रख पाते और कुछ ज़्यादा अच्छे से सजा भी नहीं पाते हैं। और ये देखिए, रक्षाबंधन के दिन मैंने भगवान जी को राखी बांधा था, वो है। और कल मैंने ये दो मोर का पंख लाया है, इसको भी मंदिर में अच्छे से सजाना है। अब देखते हैं कि इसको कहाँ रखें, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए अभी देखते हैं कि इसको कहाँ पर रखा जाए। और मैंने कल इतने सारे सामान लाए हैं, ये सब सामान हैं। अभी हम जैसे कृष्ण जी को तैयार करेंगे, देखिए मेरे पास इतने छोटे से कृष्ण राधा हैं, क्योंकि अगर बड़े ले आते हैं तो फिर पीछे के भगवान नहीं दिखेंगे, है ना, इसलिए मैंने छोटे से ही रखे हुए हैं। और अभी मैं ये सब भगवान जी को नहलाऊंगी, पूरा अच्छे से नहला करके सारे बर्तन को धोऊंगी, फिर बाद में पूजा करूंगी, इसलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं। चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। ये देखिए, ये मेरी दुर्गा माता है ना, बहुत सुंदर। इनको भी मैं नहला के लेके आ गई हूँ। अब मैं आपको इनका कपड़ा दिखा रही हूँ। ये मैंने ना पिछले साल इनके लिए सिला था, ये है इनकी स्कर्ट, और ये इनका दुपट्टा सिला था मैंने। उसके बाद ये इनका माला है, उसके बाद ये है इनका चुनरी। ये देखिए, मेरी माता रानी तैयार हो गई। ये देखिए, ये दुपट्टा लाया था हमने राधे जी के लिए, तो मैंने ये बहुत ही छोटी मूर्ति है तो फिर दोनों जन को उड़ा दिया है। और ये है इनका मुकुट कृष्ण जी का, ये देखिए कितना सुंदर मुकुट है। और ये है जीवदानी माता, जो मेरे घर से दिखती है ना, वो है ये बालकनी से साफ दिखती हैं, साफ सुथरा एकदम। अब हम लोग फूल से सजाएंगे भगवान जी को। ये देखिए, बेसन का लड्डू है जो कृष्ण भगवान को चढ़ाया जाएगा, ये प्रसाद है। बिलपत्र फूल महादेव जी को चढ़ाया गया है, फिर महादेव जी पे जल डाला मैंने। ये देखिए, यहाँ सब तैयारी हो चुका है। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर का डिजाइन जो बना हुआ है, ये सब निक्की बनाई है। निक्की नहीं, आप भी तो बनाया है। नहीं, निक्की हम लोग बनाए हैं मिल करके, ऐसा डिजाइन नॉर्मल और पेंट का था। पेंट भी हम लोग किए हैं, सिर्फ नॉर्मल लकड़ी था, उसको जो पेंट वेंट करना था वो सब हम लोग किए हैं। कितना मस्त लग रही है, देखो पूरा रेड रेड येलो येलो मस्त मस्त। और ये देखिए, लड्डू आया है, लड्डू को अब खोला जा रहा है, भगवान जी खाएंगे, उनको चढ़ाया जा रहा है, भगवान खाएंगे। ये देखो, दिया ही नहीं जलाई हूँ मैं, सब उल्टा काम क्यों कर रही हूँ।
प्रसाद रख दिया गया है, उसके बाद फिर दिया जलेगा, उसके बाद फिर आरती होगा, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे और खाना खाएंगे। फिर ये देखो धूप बत्ती भी यहाँ जलाया जा रहा है, दिया जल गया है, प्रसाद चढ़ गया है और अब हम लोग आरती होगा। फिर मैंने पूरे घर में दिया दिखाई, जहाँ जहाँ भगवान जी हैं मेरे घर में। फिर बाद में मैंने दिखाया अपने बाहर बालकनी में तुलसी जी हैं उनको भी, फिर मेरे मेन डोर के बाहर गणपति जी हैं और हनुमान जी हैं उनको भी दिखाया, और अगल बगल के दरवाजे पे भी जो भगवान हैं उनको भी दिखाया। फिर मैंने पूजा की, फिर बाद में जाके मुझे याद आया कि अरे मैंने तो भगवान जी के लिए माला भी लाया था, वो तो पहनाना मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने उनको माला भी पहनाया। राधे कृष्ण जी को देखिए कैसा है।